देरी हो गई है तो माफी मांग लीजिए। नहीं मैं पहले तो 5:30 पे था, मशीन का भी मुझे बताना होगा ना। सबसे पहले तो मैं आपसे ये क्षमा चाहता हूँ कि आज फिर कुछ हम आपको वेट करवाना पड़ गया, तो आई होप यू एक्सक्यूज अस। दूसरी बात यह है कि हमारे एक महत्वपूर्ण साथी जो हैं, असल में दातार सिंह जी वो कीर्ति किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनका देहांत हो गया आज शाम को ही हार्ट अटैक से, और हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है मीटिंग के अंदर, जो ही ये सूचना मिली तभी 2 मिनट का मौन धारण करके। अगला ये है कि हमारे जो मैं इंद्रजीत सिंह हूँ, ओके इंद्रजीत सिंह किसान सभा हरियाणा, आई वॉज प्रिजाइडिंग ओवर द टुडेज मीटिंग ऑफ SKM, मीटिंग की सदारत कर रहा था मैं। हमारे इस मौके के ऊपर जो साथी मौजूद हैं वो रमजान चौधरी हैं हमारे, जगमोहन जी हैं हमारे, प्रेम सिंह बंगू जी हैं, लखवाल साहब हैं और योगेंद्र यादव जी हैं हमारे, डॉक्टर आशीष मित्तल हैं और हमारे जोगिंदर नैन हैं, डॉक्टर अशोक ढावले हैं। ये आज के निर्णयों की हरिंदर लखवाल जी का मैं बोला ना नाम, हाँ हाँ हाँ, आज के जो हमने समीक्षा भी की है, आज पिछली हमारी SKM की मीटिंग के बाद जितने भी कार्यक्रम लिए थे उनकी, और जो हमारे कार्यक्रम थे चाहे वो रेल रोकने के थे या हमारे जो दूसरे भी कार्यक्रम थे, वो पूरे देश में बड़ी संख्या में मनाए गए, 700 से ज़्यादा जगहों पे और दर्जन से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर रेलें रोकी गई हैं, और ये मूल रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि ये केवल मात्र हरियाणा पंजाब और यूपी राजस्थान की बात नहीं है, बल्कि देश भर में इन मुद्दों के ऊपर लोग लामबंद हो रहे हैं। दूसरे भी जो हमारे जितने कार्यक्रम हैं उसमें ये लगातार बात सामने आ रही है कि जो जो लोगों का संकल्प बढ़ रहा है उतना ही सरकार जो है वो अच्छे हथकंडों की तरफ बढ़ रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हम बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं, इनको जवाब देना उनको देना है, लेकिन वास्तव में पुलिस की तरफ से जो रिप्रेशन है, रोज नई नई अननेम्ड लोगों को वो पकड़ा देते हैं कि आप इसका जवाब दीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेम सिंह जी के पास उसके डिटेल्स हैं, जो हमारी कानूनी समिति के वो सदस्य हैं, शुरू में जो 122 बंदे पकड़े थे उनमें से कोई 30-32 की जमानतें हो पाई हैं, वो भी स्पेशल क्राइटेरिया के अंडर हैं। अदरवाइज वास्तविकता ये है कि ये गिरफ्तारियाँ नहीं हैं, ये अपहरण है सारे के सारे। 26 के घटना के लिए 27 और 28 को कोई कहीं जा रहा है, कोई बाजार में जा रहा अपना खाना पूर्ति करने के लिए, जो उनको ये लगा कि ये जो है आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसी को उठा लिया और अपने डाल के ले गए। 3 आदमी जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं, इस प्रकार की इनडिस्क्रिमिनेट अरेस्ट हैं वो, और अभी भी वो जो शोकाज नोटिस दिए जा रहे हैं वो भी ऐसे लोगों को डराने के लिए हैं ताकि वो उससे चुप हो जाए, लेकिन एक भी उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल रही है इस चीज़ में। और बहुत ही मतलब ये गुस्सा जरूर है कि ये जो टैक्टिक्स गवर्नमेंट यूज़ कर रही है वो वास्तव में बहुत उच्च स्तर की टैक्टिक्स हैं जो नहीं की जानी चाहिए, और इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम इस आंदोलन को इंटेंसिफाई करेंगे और तेज़ करेंगे, जिनमें से कुछ तो ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं वास्तव में जिनका ताल्लुक या तो आज़ादी के आंदोलन से है, फ्रीडम मूवमेंट से, या उनका ताल्लुक किसान आंदोलनों के इतिहास में महत्वपूर्ण उससे है, तो हम उस भावना को जागृत करते हुए जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में रही है या जो मार्टियर्स की है उसका प्रयोग करते हुए
हम उन डेज को ऑब्जर्व करने के लिए इस मोबिलाइजेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे, और जो बॉर्डर्स के ऊपर हैं उनको भी मजबूत करेंगे। तो उस जो सीरीज ऑफ डिसीजंस, जो श्रृंखला हमारे निर्णयों की है, खासतौर पे चार जो प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, मैं साथी योगेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि एक बार उनके बारे में वो बताएं, और उसके बाद एक एक करके हमारे दूसरे साथी अलग अलग पक्षों के ऊपर रोशनी डालेंगे। आप सभी इसके लिए यहाँ पर आए, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ संयुक्त को मोर्चा की तरफ से। धन्यवाद। शुक्रिया। साथियों, मुझे खुद कई दिन बाद आपसे मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थी जैसा आप जानते हैं, अब पार्शियल छुट्टी मिली तो इसलिए आपके पास आने का मौका मिला है। जैसा आप जानते हैं, कल पंजाब के तमाम संगठनों की बैठक हुई थी जथेबंदियों की, और उसके बाद जैसा हमारा रवायत है, आज संयुक्त किसान मोर्चा के देश भर के जितने भी संगठन हैं सबकी बैठक हुई है। इस बैठक में आंदोलन की आज की स्थिति जो है उसकी समीक्षा की गई, आंदोलन को और मजबूत और तेज कैसे बनाया जाए इसके बारे में अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम के बारे में चर्चा हुई, फैसले लिए गए, और साथ ही साथ ये आंदोलन अपने तीसरे चरण में कैसा दिखाई देगा इसके स्वरूप के बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई। मैं आपके सामने केवल अगले एक सप्ताह के कार्यक्रम रख रहा हूं, लेकिन आज की बैठक में सहमति बनी है कि 28 तारीख को आने वाले पूरा जो तीसरा चरण होगा इस आंदोलन का, उस पूरे चरण की आउटलाइन आपके सामने पेश की जाएगी। तो 28 तारीख को, 28 फरवरी को ऐसी मीटिंग के बाद आंदोलन का तीसरा चरण जो होगा, पहला चरण 26 जनवरी तक था, दूसरा जब दबाने की कोशिश हुई तो आंदोलन फैल गया, और ये जो पिछले महीने से चल रहा है वो आप देख रहे हैं। तीसरा चरण कैसा होगा उसकी पूरी आउटलाइन आपके सामने 28 तारीख को रखी जाएगी। इस बीच चार कार्यक्रम हमने तय किए हैं। 23 तारीख, जैसा आप जानते हैं, परसों अजीत सिंह जी, पगड़ी समाज जट्टा वाले अजीत सिंह जी, भगत सिंह जी के चाचा जी अजीत सिंह जी, उनकी जयंती है। और 22 तारीख स्वामी सहजानंद सरस्वती, देश के किसान आंदोलन के महान नेता, उनकी जयंती है। तो दोनों को जोड़ के 23 तारीख को पगड़ी संभाल दिवस, ये पगड़ी जो किसान की इज्जत का प्रतीक है, और उसके दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। इन दोनों नेताओं को, इस आंदोलन की विरासत को याद किया जाएगा, और उसके प्रतीक स्वरूप सब किसान सब मंच पर अपने अपने इलाके की अपने अपने तरह की पगड़ी पहनेंगे। 24 तारीख को दमन विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे साथी बंगू जी यहां पे हैं, आप ज्यादा डिटेल्स बताएंगे। जैसा आप जानते हैं, इस आंदोलन के खिलाफ सरकार ने हर तरह के दमन की तिकड़म, हर तरह की हरकत, हर तरह की शरारत, हर तरह की बदमाशी शुरू कर दी है, चाहे वो लोगों की गिरफ्तारी हो, डिटेंशन हो, FIR हो, यहाँ पे चारों सिंगो बॉर्डर पे आने वाले चारों तरफ की गलियों को रोकना, जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर बना रखा है इन्होंने तो यहाँ पे, आप सबने खुद एक्सपीरियंस किया होगा यहाँ आते हुए। तो इसके बारे में दमन विरोधी दिवस 24 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें देश भर में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे किसान, और कहेंगे कि आप संविधान के रक्षक हो, कम से कम इतना न्यूनतम तो देश का संविधान मुझे देता है, उसको क्यों वॉयलेट किया जा रहा है। 26 तारीख को युवा किसान दिवस मना रहे हैं, और 26 तारीख को सारे हमारे स्टेज, जैसा 18 जनवरी को हमने किया था, सारे स्टेज महिलाओं को दे दिए थे, उसी तरह से 26 तारीख को हमारे सारे स्टेज युवा किसान साथियों के नाम होंगे। तमाम जथेबंदियों के जो युवा साथी हैं वो वहां आएंगे, और वो इस युवा किसान दिवस को एक अपनी दिशा देंगे। 27 तारीख, 26 तारीख मैं याद दिला दूं, 26 तारीख को हमारे 3 महीने यहां पूरे हो रहे हैं, तो वो एक अवसर है जिसलिए हम युवाओं को
आगे की बागडोर संभाल रहे हैं। 27 तारीख को, 27 फरवरी को दो विशेष अवसर हैं, गुरु रविदास जयंती है और साथ में संयुक्त मोर्चा की तरफ से काल देगी पूरे देश के अंदर, चाहे वो रोड जाम की थी चाहे रेलवे जाम की है, उन पर किसान की तरफ से किसी भी यात्री को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे, ये किसान की मंशा ना थी। किसान की इतनी ही मंशा थी कि इस 4 घंटे के चक्का जाम के दौरान सरकार को चिताया जाए कि जो पिछले 85 दिन से किसान आंदोलन में किसान अपनी मांगों को उठाने के लिए आए हैं, उन पर सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं गया। इस बात से हमारे किसानों के द्वारा 4 घंटे के अंदर रेलवे जाम का जो प्रोग्राम था उसका पूर्ण रूप से सफल रहा, खास करके हरियाणा प्रदेश के अंदर, पंजाब के अंदर, पूरे सारे देश के अंदर लंगर पानी की व्यवस्था की गई, चाय का व्यवस्था की गई, नाश्ता दिया गया। इसके अलावा किसी भी तरह का आने वाले समय में भी किसान की तरफ से कोई भी ऐसा कदम ना पीछे 26 तारीख में उठाया गया था कि सरकार की संपत्ति को किसी तरह का नुकसान हो, ना ही भविष्य में किसान की ऐसी कोई मंशा है कि कोई भी हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। ये देश की राजधानी हमारे सभी नागरिकों की है, ये अकेले किसी एक व्यक्ति की बापोती नहीं है। किसान का इस देश की राजधानी के अंदर उतना ही अधिकार है जितना अन्य नागरिकों का है। इस देश का किसान दिल्ली के चारों तरफ पिछले 88 दिन से अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपने हकों की आवाज़ उठाने के लिए आया था। इस देश की केंद्र की सरकार के अलावा मैं हरियाणा प्रदेश से संबंध रखता हूँ, खास करके हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और कृषि मंत्री से आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करने के भिन्न भिन्न तरह के ओछे से ओछे हथकंडे अपनाने का काम किया, लेकिन इस किसान बरादरी के नौजवान युवा साथियों का बहुत सहयोग रहा। इसके अंदर जो मेरी मातृशक्ति हर टोल प्लाजा के ऊपर कई की हजारों की संख्या में पहुंच रही हैं, आज भी विशेष तौर से टिकरी बॉर्डर के ऊपर कई कई बसें भर करके आई हैं, जो उस आंदोलन को समाप्त करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। ये आंदोलन जो जो लंबा खींचता गया क्यों क्यों ये मजबूती पकड़ता जा रहा है। पूरे देश के अलावा अन्य देशों के अंदर भी हमारे इस आंदोलन से जागृति आई है, पूरे देश के अंदर, विदेशों के अंदर भी हजारों हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो निकाला गया है, इससे हमारा आंदोलन मजबूत हुआ। आने वाली जो 26 तारीख का दिन है वो विशेष करके युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बता दिया, लंबा नाम करूंगा, उसे सारा स्टेज नौजवान युवा साथियों को दिया जाएगा। उस पर पूरी नौजवानों की जो ऊर्जा है, मैं यहाँ तक भी कहना चाहूँगा कि सरकार कहती है कि आने वाला समय फसल का होगा, किसान साथी अपने फसल में लगेंगे। मैं आप सबके माध्यम से नौजवान युवा साथियों से अपील भी करना चाहूँगा, विशेष करके जो पढ़ाई का समय है वो नौजवान युवा साथी यहाँ आकर के अपनी पढ़ाई जारी रखें, और जो हमारे किसान साथी फसल का काम करेंगे वो अपना फसल का काम यहाँ हाजिरी मजबूती से बनी रहे। मेरी विशेष तौर से जो मेरी मातृशक्ति है उनसे भी अपील है कि वो इस आंदोलन में जो फसल का समय है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आती रहें, मजबूती प्रदान करती रहें। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जय जवान जय किसान साथियों। मेरे पत्रकार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अशोक ढवड़े, अखिल भारतीय किसान सभा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और खुद महाराष्ट्र से आता हूँ। सबसे पहली बात, ये पिछले एक हफ्ते में ये किसान आंदोलन का जो राजनैतिक नतीजा है ये पूरे देश के सामने आज खुलकर सामने आया है। पंजाब में महानगर पालिका और नगर पालिका के जो चुनाव हुए और जिसके नतीजे अभी 2-3 दिन पहले निकले, उससे जाहिर हुआ है कि बीजेपी का पंजाब में पूरी तरीके से सफाया हुआ है, और ये इस किसान आंदोलन का ये नतीजा है, ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये आंदोलन अगर इसी प्रकार से, अगर बीजेपी की मोदी सरकार इसको कुचल डालने का कोशिश अगर चालू रखेगी, तो पूरे देश भर में बीजेपी का इसी तरीके से सफाया होगा जो पंजाब में हुआ है अभी पिछले हफ्ते। दूसरी बात,
ये 26 जनवरी के बाद हम लगातार देखते हैं कि ये किसान आंदोलन के दौर में दो बातें सामने आई है। एक, 26 जनवरी को पूरा षड्यंत्र करके भाजपा की सरकार ने इसको हिंसा के रूप में आंदोलन को बदनाम करने का जो प्रयास किया उसको अभी पूरी तरीके से आज पूरे संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता के साथ इसके साथ जबरदस्त संघर्ष किया है। और हमने देखा 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का शहादत दिन हो या 6 फरवरी को पूरे चक्का जाम का आंदोलन जो 3000 जगह में हमारे देश में कामयाब हुआ हो, 14 फरवरी को पुलवामा के हमारे जवान शहीद और इसी दिल्ली के बॉर्डर पर 250 से ज्यादा हमारे किसान शहीद, ये जो आज शहीद हुए हैं उनको याद करने के लिए और ये मोदी सरकार के खिलाफ हजारों जगह में 14 फरवरी को बहुत बड़े प्रकार के निदर्शन प्रदर्शन हुए हैं। और 18 फरवरी को अभी दो दिन पहले रेल रोको जो इतने बड़े व्यापक पद्धति से पूरे देश में कहीं नहीं हुआ था ये हमने देखा, ये एक बात है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं 26 जनवरी के बाद मोदी सरकार का ये पूरा फांसीवादी दमन का पूरा रवैया बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। किसानों के बारे में अभी हमारे साहब ने कहा 122 लोग आज जेल में हैं, एफआईआर हुए हैं, केसेस हुए हैं, ये सब चीज एक तरफ, हमारे इस किसान आंदोलन को समर्थन देने वाले पत्रकारों के ऊपर भी, कई जाने माने पत्रकारों के ऊपर आज एफआईआर हुए हैं। न्यूज क्लिक नाम का जो है उसके ऊपर ईडी का रेड हुआ है। आज हमारे बंगलोर की 22 साल की लड़की ये दिशा रवि उसको गिरफ्तार करके अभी दिल्ली में रखा है। हमारी यहाँ पे नोदीप कौर नाम की दलित लड़की 23 साल की उसको गिरफ्तार करके पिछले 1.25 महीने में रखा है। ये सब जो है ये किसान आंदोलन को समर्थन करने वाले थे, इसकी भी हम बहुत निंदा करते हैं। और इसलिए ये पूरे अभी जो 24 फरवरी को ये जो दमन के खिलाफ, ये जो किसानों के खिलाफ और किसान आंदोलन को समर्थन करने वालों के खिलाफ ये जो दमन शुरू किया है इसके खिलाफ ये एक जबरदस्त पूरे देश भर में ये मनाया जाएगा। 23 के दिन स्वामी सहजानंद सरस्वती और सरदार अजीत सिंह इनके ऊपर का, ये जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, किसान आंदोलन के नेता थे, तो उनके तरफ आज हम वहां उनको याद करते हैं। उसके बाद में 26 तारीख को जब 3 महीना पूरा होता है उस दिन युवा किसान दिन के दिन हम यहां पूरी तरीके से मनाएंगे पूरे देश भर में। और आखिर में ये जो 27 फरवरी है उसी के तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। 27 फरवरी जो चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिन है और संत रविदास की जयंती है, उस दिन को हम ये पूरे कॉरपोरेट के खिलाफ ये जो आज 3 किसान विरोधी कानून बनाए, मजदूरों के खिलाफ के 4 लेबर कोड बनाए, आज पूरे मजदूर और किसान एक साथ में आकर 27 फरवरी को पूरी तरीके से हम उसको आज पूरे देश भर में मनाएंगे, यही आज हमारा कार्यक्रम अगले हफ्ते के लिए आज हमारा है। वो पूरे देश भर में लाखों किसान और मजदूर एक साथ आकर कामयाब करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद जी। कोई भी सवाल, किसी दोस्त कोई सवाल या पार्लियामेंट का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया सी कि ओदे ते विचार चल रही है? जैसे मैंने कहा तमाम तरह के प्रपोजल्स हैं और 28 तारीख को हम पूरी आउटलाइन आपके सामने लेके आएंगे। देखो अक्सर गल हुंदी है कि आपा जेड़ा मसले दा हल है वो टेबल टॉप उत्ते जाके होगा, इस दौरान तुहाडी कोई सरकार दे नाल गलबात हो रही है कि जां तुसीं सिर्फ दिन मनाउण तक ही सीमित रह गए हो आंदोलन दे विच? दिन नहीं मना रहे भाई, आंदोलन को मजबूत करना, तेज करना, ये हमारा काम है। हमने पहले दिन से कहा है हमें टॉक से कोई गुरेज नहीं है, सरकार बुलाएगी, हमने आज तक किसी टॉक को ना नहीं किया, आप खुद जानते हैं। सरकार अगर बुलाएगी हम जरूर जाएंगे। हम जाके सरकार के सामने ये तो नहीं कहेंगे आप हमें बुलाओ,
हम इस आंदोलन को तेज करेंगे और तेज करेंगे जब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, बुलाने के सिवा, बात करने के सिवा, बात मानने के सिवा। या सरकार तां कह रही है कि असीं इक फोन कॉल दी दूरी ते आ, फिर अड़ियल रवैया क्यों आ जो तुसीं फोन क्यों नहीं करदे, तुसीं प्रपोजल अपने तौर दे उपर क्यों नहीं बणाउंदे? फोन नंबर ही नहीं मिलिया सानूं अजे, कोई नंबर तां सानूं असीं दे दिंदे लैणा। अच्छा, आपको दे लोकतंत्र में बेसिक मर्यादा ये है, जो कुर्सी पे बैठा होता है वो कहता है, वो बुलाना, वो बुलाता है, बात करता है, क्योंकि कानून उन्होंने बनाया, कानून हमने नहीं बनाया, उन्होंने कानून बनाया है। हम सड़क पे हैं, हमारी हमारी जगह सड़क है, उनकी जगह कुर्सी है, कुर्सी वाले का फर्ज है कि वो बुलाए। हम अपना आंदोलन तेज करते जाएंगे, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं। जैसा मेरे साथी ने कहा, जितना देर करेंगे उतना महंगा सौदा उनके लिए, वो तय कर लें। तैयारी की जा रही है मुख्यमंत्री बनने की दौड़ या टिकटां लैण की दौड़ या एमएलए बनने की दौड़ जिहड़ी तेज हो चुका, क्योंकि पंजाब दे विच ओह मैसेज कन्वे हो रहा कि हुण राजनीति वल थोड़ा जिहा किसान ज्यादा। इत्थे एक दिन ही लीडर आए, 27 जनवरी तो बस एक दो दिन इतने हाजरी भरी आ। पंजाब दे विच जिथे महापंचायतां होंदियां उत्थे हाजरी वड्डे पद्धर ते लगदी आ, लोकां सामने बयान देना, भाषण देना, उहदी क्रियोसिटी जिहड़ी लीडरां विच वधदी जा रही है तुहाडे किसान लीडरां विच। मैं चाहूँगा कि जगमोहन जी पंजाब वाले क्वेश्चन को हैंडल करें, मैं बाद में कुछ ऐड करूँगा। देखो जी, जरा असी इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिकलेयर किया, अब फिर डिकलेयर करते हैं कि 32 किसान जथेबंदियां ने रेजुलेशन पाया है कि असी आपके वालों कोई भी पंजाब किसान महापंचायत संयुक्त मोर्चे की आयोजित नहीं करांगे। पर यह जी संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई है, ये बीकेयू एकता अग्रवाल ने इंडिपेंडेंट ने 32 किसान जथेबंदी, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो किसी को इनवाइट किया है वो उसे बोलने चला जाता है, तो मतलब नहीं उसी किसान मोर्चे लो कुलवंत संधू ने, जोगिंदर अपने राजेवाल साहब ने, रोहदो सिंह मानसा ने, लीडर फिर तुहाडे तो बाहर ने। नहीं नहीं, बाहर नहीं के लीडर है, उन्होंने आयोजित नहीं की, दो पास असि क्या योजित नहीं करा, योजित ना संयुक्त किसान मोर्चे ने की, ना बत्ती किसान जथेबंदी गैस्ट के तौर पर उसे बोलने चले जाते हैं, कोई एड्डी गल नहीं। कोई भी बंदा योजित करे तो आगू मंच के बोलने तो ग्रेज नहीं करके, मान लिया जाए कोई थर्ड पार्टी स्टेज कर दें तैयार करके तो आगू बोलने, ये वो व्यक्तिगत उस जथेबंदी उस जथेबंदी का फैसला है, फैसला अपना अपना एरिया स्ट्रांग करने वाला हो गया ना। दुआबे देखो बेनती है भी असीं 32 किसान जथेबंदियां दी मीटिंग दे विच और अज संयुक्त किसान मोर्चा दी मीटिंग दे विच इन्हां गल्लां दा सीरियस नोट लिया। साडी राय यह है भी असी मोर्चे नूं इत्थे मजबूत करना है, असी पंजाब हरियाणा दे विच पंचायतां या कॉन्फ्रेंसां करके मोर्चे नूं खंडाणा नहीं, असी लोकां नूं इत्थे लेके आउणा है। पंगू साहिब वन मिनट, इस बारे असी बड़ी चर्चा कीती है, इसका गंभीर नोटिस लिया और मेरा ख्याल है भी इन फ्यूचर ये गल्लां रिपीट नहीं होणगियां। बाकी 28 तरीक नूं मीटिंग है, छोटे बंदे बोलन गए जथेबंदी सानू कोई परवाह नहीं, उन्हां दा कद वड्डा हो चुका मोर्चे नालों जी, तुहाडे तों कद वड्डा हो चुका जी, संयुक्त मोर्चे तों कद वड्डा हो चुका जी। सवाल यह है भी कोई भी जिहड़ा लीडर वड्डा बनिया वह मोर्चे ने बनाया, जे कोई लीडर समझे मोर्चे तो वड्डा है तो मैं नहीं समझा ये ठीक है। सारे लीडर एक कलैक्टिव लीडरशिप है, इकट्ठा फैसला होंगे, कोई जथेबंदी छोटी है चाहे वड्डी है वो बराबर की इंपोर्टेंस है,
इत्थे ना कोई लीडर छोटा है ते ना ही वड्डा है, कलैक्टिव फैसले हुंदे, कलैक्टिव लागू करदे ने। इसलिए इह मोर्चे दी बदौलत है, इह किसे भी दिमाग च आना नहीं चाहीदा। पग्गू साहब इक सवाल नाल लगदे सवाल है यार, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ, ਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਚ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮੰਚ ਤੱਕ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ, ਜੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਭਜਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ? ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ ਲੱਖਾ ਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾ ਸਿਨਾਣਾ ਔਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ 27 ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਤੈਅ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ 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 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, 32 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੜੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾ ਕੇ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਦੂ ਮਾਨਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਇੰਨਾ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਕੁਐਸਟੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹਰਪਾਲ ਜੁਨੇਜਾ ਨਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸੰਘਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਚਨੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟਾ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਮੰਨਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੇਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀ
ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਲਾ ਕਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਜੀਤ ਫੂਲਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ 2022 ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਇਹ ਨਰੋਲ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮਲ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਰੋਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਆ ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬਾਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਹੈਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੇ ਵਾਕਿਫ ਨਾ ਹੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇ 32 ਸੰਗਠਨੋਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹਮ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਉਸ ਪਰ ਬੈਨ ਥਾ ਕਿਸੀ ਕੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਜਾਣੇ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰ ਅੱਛੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਬਾਤੇਂ ਹੈ ਔਰ ਮੁਝੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਨ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਉਸਕੋ ਵਾਇਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆਜ ਕੀ ਤਾਰੀਖ ਮੇਂ ਜੋ ਨੋਰਮ ਹੈ ਵੋ ਅਲਗ ਹੈ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਪੂਛਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਹੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੋ ਸਮਝ ਆਤਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਤੋ ਸਮਝ ਆਤੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਕੇ ਬਿਹਾਫ ਪੇ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ क्या कैप्टन साहब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से उनकी इतनी नज़दीकी है कि उसके बिहाफ पे वो ऑफर कर रहे हैं किसानों को अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं तो शायद समझना होगा हमें इस मौके पे इस किस्म का ऑफर सजेशन जब चीफ मिनिस्टर सजेशन देता है तो इतनी इनोसेंट बात नहीं होती वो सिर्फ एक सजेशन नहीं होता सड़क पे चलते हुए दोस्त का चीफ मिनिस्टर मूवमेंट के इस स्टेज के ऊपर इस तरह का सजेशन दे ये बहुत ऑड सी चीज है लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान डिस्टर्ब कर सकता है इसलिए जल्दी मान लेना चाहिए क्योंकि कश्मीर को डिस्टर्ब किया पाकिस्तान ने और पंजाब में भी बॉर्डर लगता है पंजाब में भी माहौल गड़बड़ा सकता है ये बात भी कही उन्होंने पीछे दी तस्वीर उन्होंने सोचा है पीछे दी तस्वीर कोई तो नजर आउंदी है पॉलिटिकल गेम की नजर आउंदी है 2022 भी सिर ते आ उधर कहंदे कुछ ईडी दी फाइलां भी जड़ियां हैगा राणेंद्र दी जड़ियां हैगा ईडी कदों भी खोल सकदी कि एम जी तस्वीर तुहानू नजर आउंदी होगी तस्वीर आपको नजर आ रही है अगली बात करेंगे बात
ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਏ ਕੋਈ ਦੋਰਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਊਟਰ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਦਾਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਕਰੀਆਂ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਲ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਫਿਰ ਐਕਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੀਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਲੱਖਾਂ ਸਿਧਾਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ बहुत ज्यादा जब सवाल है और एक आधी चीज का मैं जवाब दे देता हूँ। डॉक्टर मित्तल भी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो आप गर्मा गर्म भाषण लोगों को उत्तेजित करना, आप ऐसा करो मुझे 26 जनवरी से पहले दो हफ्ते की फुटेज दिखा दो। मुझे याद है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में एक नहीं पांच बार चर्चा हुई इस तरह के गर्मा गर्म भाषण नहीं देने जिन लोगों ने दिए। सुन तो लो सर, अब बात सुन लो सर। कुछ लोगों ने जिन्हें भाषण दिए उनको मीटिंग के अंदर बुला के वार्निंग दी गई थी कि आप गलत भाषण दे रहे हो। ये मैं 26 जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, उससे दो हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं। आपके सामने एक बार नहीं, हम जैसे लोगों ने 10 बार आके कहा लाल किला कोई नेशनल मॉन्यूमेंट बिल्कुल नहीं। हमने कितनी बार कहा, याद होगा 14 जनवरी को जब वो कोई जस्टिस फॉर सिख ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन ने चिट्ठी रिलीज की थी, हमने आपके सामने कहा ये आंदोलन के दुश्मन है, दोस्त नहीं है। तो ये कहना कि हमने 26 जनवरी से पहले बहुत तत्ते भाषण दिए, लोगों को उत्तेजित कर दिया, फिर छोड़ दिया, ये बात फैक्चुअली करेक्ट नहीं है मेरे दोस्त। पहली सर, मैं संयुक्त किसान मोर्चा की ऑफिशियल पोजीशन के बारे में कह रहा हूं जो कि आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार नहीं कई बार प्रेजेंट की गई। और दूसरा जो आज उसके बाद जो भी हमारे साथियों के साथ जो हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा 100% उनके साथ खड़ा है, जिनके साथ जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिनको दमन किया जा रहा है, जिन पे झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा उसके साथ है। वैसे इसी की सप्लीमेंट्री मैं एक बात बताऊं आपको, सारी दुनिया कह रही है कि यह आंदोलन पीसफुल है, ये महत्वपूर्ण है या भाषण महत्वपूर्ण है? नहीं प्लीज एक्सक्यूज मी, नो नो, एक मिनट। किसी भी हमारे देश की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट दिस गवर्नमेंट एंड द पुलिस, कोई ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल की या इंडिया की ये नहीं कह रही कि इस आंदोलन में हिंसा हुई है। एंड टुडे इवन आज भी हम यही कह रहे हैं कि ये आंदोलन पीसफुल रहना ही इसकी जीत है, अगर वहां पे कोई गड़बड़ होती है तो वी विल लूज इट। इसीलिए एक सिक्के के दो पहलू पर आप काम कर रहे हैं, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। 23 तारीख को बकायदा तौर पर स्टेज मंच पर ऐसा बोला गया था आपके संयुक्त मोर्चा के अंडर आने वाली किसान जथेबंदियों ने ऐसे आगू ने ऐसे बयान दागे थे। साथियों आपके प्रश्नों पर दो बातें मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की मांग रिपील है। अगर कोई सस्पेंशन की बात बोल रहा है तो हम समझते हैं कि कॉरपोरेट पक्ष की मांग है कि इसको अभी सस्पेंड करा दिया जाए और उसके बाद रजामंदी लेकर 1.5 साल 2 साल 3 साल बाद लागू कर दिया जाए। अगर कोई पार्टी का लीडर या मुख्यमंत्री इस बात को बोलता है तो इससे एक ही कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि उनका अपना पक्ष क्या है। तो हमारी पोजिशन बहुत साफ है। दूसरी बात, ये किसान आंदोलन है, इसमें ये समझना ये अभी 9 महीने से चल रहा है, 8 महीने से चल रहा है और ये धीरे धीरे विकसित होता हुआ बढ़ा है। आज भी हमने आपको बताया कि ये लहर की तरह धीरे धीरे
जिन सीमाओं तक था, पहले पंजाब, फिर हरियाणा, वेस्ट यूपी, राजस्थान, यूपी के बाकी क्षेत्र, बाकी सारे देश के अंदर धीरे धीरे लहरों की तरह भागीदारी बढ़ाते हुए शांतिपूर्वक ढंग से बढ़ रहा है, और इसी बिंदु का आपको अध्ययन करके देखना चाहिए। यही हमारे, हम इसी के हिसाब से हमने अपनी रणनीति बनाई है। धन्यवाद।